ये देखो, ये तो बड़े होंगे दोस्तों, अभी ये शायद पक गया दोस्तों, पक गया, ये तो टूट भी गया दोस्तों। चलिए इसको तो खाते हैं। तो फोड़ने के बाद ऐसा निकला, देख सकते हो बिल्कुल पक गया है। तो ये बीज निकाल के अब खाऊंगा दोस्तों मैं इस गिरबे को, बहुत मीठे लगते हैं ये। दोस्तों अब मैं लेके निकल चुका हूँ बकरियों को जंगल की ओर ग्रेजिंग कराने। हाय दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब मस्त होंगे। स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों हमारे नीचे का। दोस्तों आज बारिश बहुत ज़्यादा आई है, पूरी रात बारिश आई है दोस्तों आज। तो आज मैं दिखाऊंगा हमारे नीचे वाला जो खेत है, जो कपास की खेती कर रही है मम्मी पापा रहते हैं, जहाँ गायों और बकरियों का शेड है दोस्तों, वहाँ पे ले चलता हूँ आपको, वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा, वहाँ पे कपास कितने बड़े हो गए और फसल कैसी होगी और वहाँ का लोकेशन कैसे क्या हो रहा है अभी फिलहाल में दोस्तों, वो देखेंगे हम। तो मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों, ये हमारी गाँव से मैं नीचे उतर गया हूँ दोस्तों, मेरी फसल में रास्ते से जा रहा हूँ। तो इधर देख सकते हो पीछे घास बिल्कुल ही उलट पुलट हो रही है, पूरी रात बारिश आई, उस वजह से पूरी बारिश के साथ हवा आई दोस्तों, तो उस वजह से पूरी ही घास आड़ी पड़ गई है दोस्तों। तो देख सकते हो, तो रास्ता देख सकते हो ऐसा दोस्तों, इसमें से जाना पड़ रहा है धीरे धीरे। तो कोई जानवर भी हो सकता है दोस्तों बारिश के टाइम में। एक तो क्या है दोस्तों, बहुत सारे सांप जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों जंगल में, तो उस वजह से अगर आपके आसपास जंगल है दोस्तों, तो हमेशा आपको सावधानी रखनी है, घास फूस में जाते समय ध्यान रख के जाना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जहरीले जानवर होते हैं, वो काट भी सकते हैं, तो इस बात के आप सावधानी जरूर रखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे और दिखाता हूँ मैं आपको आगे दोस्तों। जो नाला आ रहा था नदी की तरह, छोटा सा नाला है दोस्तों वो, कि उसमें भी बहुत सारा पानी चल रहा है अभी, देखते हैं वहाँ पर कितना पानी चल रहा है। चलिए चलते हैं वहीं पर। दोस्तों बारिश पूरी रात आई, उसके साथ हवा भी आई, देख सकते हो फसल भी पूरी आड़ी पड़ गई है। देखो ये देखो, घास भी पूरी आड़ी पड़ गई है, मतलब बारिश के साथ साथ नुकसान भी हुआ है दोस्तों। इधर भी देख सकते हो पूरी ही आड़ी पड़ी है, पूरा रास्ता जाम कर दिया है, इससे रास्ता इधर पगडंडी जा रही है दोस्तों मेरी, जहाँ नीचे वाले खेत में जाने के लिए, देख सकते हो पूरी फसल आड़ी पड़ गई दोस्तों। तो चलिए चलते हैं वहाँ आगे। और वो नाला दोस्तों बहुत भयंकर वाला आ रहा है दोस्तों, पानी बहुत ज़्यादा आया उस वजह से, देख सकते हो बहुत सारा पानी है, इसमें निकलना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। निकलते हैं, देखते हैं धीरे धीरे से। तो जो पानी है वो तो बिल्कुल मिट्टी की तरह दिख रहा है, क्योंकि ये गंदा आ रहा है, बारिश हुई ना उस वजह से दोस्तों। देखो बहुत बड़ा नाला जाता है दोस्तों हमारे यहाँ, गेहूँ चने की फसल दोस्तों इस नाले से हो जाती है, हमारे जो ठंड वाली जो फसल होती है वो पूरी चने और गेहूँ की फसल दोस्तों हमारे इस नाले से हो जाती है। कुआ और ट्यूबवेल लगाने की जरूरत ही नहीं, इतना पानी है दोस्तों हमारे यहाँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं नाले के बाहर निकल चुका हूँ दोस्तों, ये हमारा जो दिख रहा है ये गोबर, गायों और भैंसों का जो गोबर है वो है दोस्तों ये। तो इसके ऊपर कद्दू के बेल लगे हैं, ये कद्दू लगेंगे। और इधर भी छोटा सा नाला जा रहा है, और इधर से एक बेल बैठा है मम्मा का और गाय का बछड़ा है और बकरियाँ दोस्तों यहाँ पे। अभी बारिश पूरी रात हुई उस वजह से अब शायद मेरे को लेके जानी पड़ेगी मेरे ख्याल से। तो पूरी आराम कर रही है बकरियाँ। तो यहाँ तो दोस्तों बहुत अच्छा हो रखा है अभी, तो भिंडी वगैरह के भी तो फूल आ गए, देखो भिंडियाँ लग गई है दोस्तों, सब्जियाँ बनने लग गई, देख सकते हो पानी हो गया दोस्तों सारों तरफ। पापा ने दोस्तों एक छोटी सी खाट भी बनाई है बाहर वाली, ये डागली कह सकते हो, और पानी बहुत ज़्यादा हो गया इधर तो। हाँ दोस्तों, मम्मी जी लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं जंगल में से, और इधर बकरियाँ बैठी है, मम्मी की मुर्गियाँ भी ग्रेजिंग कर रही है, देख सकते हो। तो ये शायद अंडे रखने लगी दोस्तों अब, और बकरियाँ आधी इधर बैठी है, आधी इधर है, और आधी वहाँ झाड़ियों में ग्रेजिंग कर रही है। तो इनको सबको मेरे को ले जाने का ऑर्डर मिल गया है जंगल में, तो आज हम बकरियों की ग्रेजिंग कराएंगे दोस्तों। पापा जी तो गए दोस्तों उस जंगल वाले खेत में रखवाली करने के लिए, और मैं बकरियां दोस्तों बहुत नाला बहुत ज़्यादा आ गया, उस वजह से नाले में निकल नहीं पाएगी, उस वजह से मामा बोल रहे हैं कि इधर ही जो हमारे घर के पास में जंगल है वहीं पर ग्रेजिंग करवाने के लिए ले जाओ, तो मैं यहीं पर ले जाऊँगा। चलिए चलते हैं आगे। और मम्मी की मुर्गियाँ दोस्तों अब बड़ी मुर्गियाँ अंडे रखने लगी, उस वजह से छोटे वाली अकेली घूम रही है, अब देखो आराम से ग्रेजिंग कर रही है दोस्तों। देख सकते हो वाइब कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे, देसी वाला फीलिंग आ रही है बिल्कुल ही, गांव वाली बिल्कुल ही, ये जंगल है दोस्तों चारों तरफ से। तो चलिए चलते हैं, अब ले चलते हैं, मम्मा गायों का गोबर फेंक रहे हैं अब शेड में से निकाल के। तो चलिए हम ले चलते हैं बकरियों को अब धीरे धीरे से जंगल में, मिलते हैं दोस्तों आपको आगे। और बकरियाँ ले जाने से पहले दोस्तों एक बार मैं आपको इधर फसल दिखा देता हूँ, भिंडियाँ कितनी बड़ी हुई देखो दोस्तों, बहुत लगी है भिंडियाँ दोस्तों अब, ये देखो भिंडी की सब्जी बनने लगी दोस्तों हमारे यहाँ अब,
क्योंकि ये पूरी हो गई है तैयार। और कपास भी इसमें दोस्तों आपने पिछला वीडियो देखा होगा इस खेत का, दोस्तों मैंने पहले बताया था ये फसल जब छोटी थी जब, ये देखिए बहुत सारी मंडियाँ लगी हुई है और कपास दोस्तों ये देख सकते हो। और दोस्तों मैंने आपको डांगरे वांगरे बताए थे जो काकड़ियाँ वगैरह लगती है, ये देख सकते हो ये भी लगी हुई है। ये देखो ये तो बड़े होंगे दोस्तों, अभी ये शायद पक गया दोस्तों, पक गया, ये तो टूट भी गया दोस्तों। चलिए इसको तो खाते हैं, ये वाले देखो कितने बड़े लग रहे हैं। और ये बेल है, अभी तो बहुत सारे होंगे दोस्तों अंदर, देख सकते हो। चलो इसको खाते हैं दोस्तों और बकरियों को ले जाते हैं। तो फोड़ने के बाद ऐसा निकला, देख सकते हो बिल्कुल पक गया है। तो ये बीज निकाल के अब खाऊंगा दोस्तों मैं इस गिरबे गिरबे को, बहुत मीठे लगते हैं ये, खाने में बहुत स्वाद में लगते हैं दोस्तों। आपने खाए होंगे, जिस भाई ने खाए हो वो मेरे को कमेंट करके बताना दोस्तों। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, जैसे बर्फी की तरह। बकरियां देख सकते हो दोस्तों यहाँ पास में ग्रेजिंग कर रही है, और मुर्गियां भी यहाँ पास में है मेरे पास में, और देखो झाड़ियों में ग्रेजिंग कर रही है। तो सब मिलके आज साथ में, आज बारिश ज्यादा आई उस वजह से बकरियों को जंगल में नहीं ले जाया गया, क्योंकि नाला बहुत ज्यादा आ गया दोस्तों, बकरियां निकल नहीं पाएगी, यहाँ घर पे रहेगी। पापा अकेले निकल गए पापा जी, तो अब ये धीरे धीरे मैं इनको यहाँ से ग्रेजिंग कराते हुए ले जाऊंगा फिर इधर अपने, ये तो अपना शेड है मम्मी का और बकरियों का और गायों का, और मम्मी पापा यहीं रहते हैं, तो वो बकरियों का गायों का शेड है, तो ये वाला जंगल में ले जाना पड़ेगा। इधर नाला आडा नहीं है दोस्तों, तो इधर नाला आडा है, उस वजह से जा नहीं पाएंगे हम। पानी में दिखा देता हूँ, बहुत सारी मात्रा में ज़्यादा देख सकते हो दोस्तों कैसे निकले आगे, वो देखो पूरी बकरियाँ डूब जाएगी इतना है दोस्तों। अब मैं लेके निकल चुका हूँ बकरियों को जंगल की ओर ग्रेजिंग कराने। बकरियां दोस्तों यहीं पे है, अभी आगे निकली नहीं है, तो मैं मम्मा थोड़ा ऊपर चले गए दोस्तों दुकान की तरफ, तो उस वजह से कोई सामान लेने के लिए मैं यहीं पे रखवाली भी कर रहा हूँ और बकरियों को ग्रेजिंग कराऊंगा जंगल में ले जाऊँ। लेकिन बकरियां अकेली जाती नहीं दोस्तों, तो साथ में मेरे को यहाँ पे रखवाली भी करनी पड़ेगी, उस वजह से मैं यहाँ पे चढ़ा हूँ ताकि कोई गाय भैंस वगैरह घुस जाए, तो वो सामने देख सकते हो दोस्तों गायें हैं, वैसे आगे घुस भी सकती है, उस वजह से मैं यहाँ पे ग्रेजिंग करा रहा हूँ और देख रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हो नीचे चल रही है दोस्तों। बकरियों को मैंने थोड़ी हरी पत्तियाँ भी गिरा के दे दी इस पेड़ की, मैं जिस पे चढ़ा हुआ हूँ, इसका नाम बेड़ा है दोस्तों, तो इसको बकरियाँ खाती है अच्छे साफ से, देख सकते हो खा रही है, तो थोड़ा इनका पेट भी भर जाएगा, तब तक मम्मी आ जाएंगे फिर मैं इनको शायद लेके जाऊँगा। तो दोस्तों अभी मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया हूँ दोस्तों, मैं जंगल में ले जाना था बकरियों को, लेकिन मम्मा तो दुकान की तरफ कोई सामान लेने के लिए, तो उस वजह से मैं यहाँ पे पेड़ पे चढ़ के दोस्तों यहाँ पे रखवाली भी कर रहा हूँ। इधर देख सकते हो पूरी फसल देख रहा हूँ, यहाँ से कोई गाय भैंस ना घुस जाए, वहाँ सामने गायें भी है दोस्तों, तो उस वजह से मैं जंगल में नहीं जा रहा हूँ। और मुर्गियाँ भी है दोस्तों, जंगली जानवर सियार वगैरह आके कोई खा भी जाता है मुर्गियों को, उस वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ। तो बकरियाँ मेरे पास में ग्रेजिंग कर रही देख सकते हो। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं दोस्तों, कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना, और जिस भी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।